सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे मेरे प्यारे भाई हो। तो आज मैं आया हूँ एक हॉस्टल का टूर देने के लिए आप सभी को, जो कि है एलएन के सविनय सामिक संकल सबल समर्थ। और ये जो पड़ता है ये न्यू राजीव गांधी नगर एरिया पड़ जाता है। तो यानी कि अगर मान लो कि जो स्टूडेंट रिलायबल साइट के भी हैं तो वो भी यानी कि यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का अपना इन हाउस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप उस एरिया के भी हैं रोड नंबर 1 साइट के, तो भी आप आ सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये है श्री ओम रेजिडेंसी। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है और इनका बॉयज के लिए भी एक कैंपस है, वो भी मैं कवर करूँगा, आप वीडियो के साथ बने रहें। तो हमारे साथ हैं इस हॉस्टल के ऑनर। अलग लगा इनका कैंपस तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए। अलग क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे कोविड को देखते हुए टेम्परेचर वगैरह लिया जा रहा है और सैनिटाइजेशन वगैरह मशीन को इंस्टॉल वगैरह करा गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा। और यहाँ पे सर ये जो मशीन लगा हुआ है ये क्या काम करता है, यानी कि बहुत जगह मैंने देखा है इसको। ट्रेनिंग और डिजिटल रिकॉर्ड, जब भी बच्चा बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है शी हैज टू पंच बायोमेट्रिक। तो इसमें सेम टाइम पे ये डैशबोर्ड लगा है जिसमें यहाँ बैठे गार्ड को भी ये क्लियर होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर हुई या नहीं हुई, एज वेल एज सेम टाइम पे पेरेंट्स को इन एंड आउट के लिए मैसेज जाता है अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प। उससे पेरेंट्स इन्फॉर्म रहता है कि बच्चा कितनी देर के लिए बिल्डिंग से बाहर जा रहा है, दिन में एक बार जा रहा है या दो बार जा रहा है। ये खुल गया जादू का पिटारा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सर ने पूरा गोदाम ही बना के रखा है, पूरा यहाँ पे आलू प्याज और सारा चीज। सर आपने तो दुकान ही खोल दिया है यहाँ पे अपने हॉस्टल में, ये क्या, ये क्यों है, यानी कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए सर, हम अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चों को, छोटे बच्चों को कैटर करते हैं। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चे को एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉर देयर स्टडीज। और इसमें जो लिविंग स्पेस है उसके अलावा या उससे हटके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डाइनिंग पार्ट। अगर बच्चा हेल्थ बच्चे की ठीक नहीं रहेगी तो वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स वी हैव टू टेक केयर फॉर द डाइनिंग पार्ट। और डाइनिंग पार्ट में हम ये बोलते हैं कि वी आर यूजिंग ईदर द सेम ब्रांड और द सिमिलर ब्रांड। हम अगर हम ये बोलते हैं कि हम बच्चों को घर जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए फॉरमोस्ट जो मटेरियल है, जो टॉप प्रायोरिटी है, वो ये होनी चाहिए कि हम रॉ मटेरियल भी वो मेंटेन करें जो हम और आप अपने बच्चों के लिए अपने घर पे मेंटेन करते हैं। अभी मेरे पास स्टोर में छोटे से छोटा आइटम, बड़े से बड़ा आइटम, आप एक नजर डालिए, आपको सेम और सिमिलर और फेमिलियर ब्रांड मिलेगा जो हम और आप अपने घरों में अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। राइट, सब कुछ आपने वही टाटा टी प्रीमियम और MDH का सारा आपने मसाला। आपको मेरे पास MDH के मिलेंगे। हम पिकल का जो ग्रेड मेंटेन करते हैं वो ये ग्रेड है जो हम लोग घरों में खाते हैं, टॉप्स। राइट, तो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ से एंटर होते हैं ठीक यहीं पे मेरा रेजिडेंस है, मैं मेरी फैमिली के साथ, इनका रेजिडेंस यहीं पे है, ये अपने फैमिली के साथ यहीं पे रहते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही। तो बाय चांस अगर मान लो कि स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत भी हो रहा है तो खुद ऑनर यहाँ पे रह रहे हैं 24/7 ऑनर्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो लाइक कोई दिक्कत वगैरह वैसा होने वाला नहीं है। और ठीक यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह है, ठीक है, वाटर फिल्टर है। और ये है मेस डाइनिंग एरिया, ठीक है, मेस डाइनिंग एरिया भी पूरा नीट एंड क्लीन है, जो कि होना चाहिए कोविड के समय में, और इन्होंने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे स्टेयर्स, और ये एक हम फ्लोर पे आ गए लिफ्ट से, ठीक है। ये एक रूम के अंदर मैं आपको लिए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि ये है बेड, ठीक है, और स्टडी टेबल, चेयर, यहाँ पे एक बोर्ड है, कुछ आप स्टेबल करना चाहें यहाँ पे अपने स्केड्यूल तो वो आप लगा सकते हैं। फिर से एक फैन है यहाँ पे, AC वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो गर्मी के दिनों में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ये बाथरूम रहा, बाथरूम भी वेल इक्विप्ड है, ठीक है, वेल इक्विप्ड, साफ सुथरा एकदम बाथरूम है विद गीजर इंस्टॉल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है उधर में सेपरेट रूम भी है उन स्टूडेंट्स के लिए ना जो जीरो डिस्टर्बेंस खोजते हैं, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो जिनको चाहिए होते हैं कि भाई हमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं चाहिए, तो उनके लिए वो सेपरेट एरिया है। तो वो सारे रूम के लिए जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात कर लीजिएगा, मैंने नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे एक फ्लोर पे 10-12 रूम है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉमन बालकनी है, आप देख सकते हैं, ये रहा बालकनी, और बालकनी में नेट वगैरह इंस्टॉल्ड है। और बच्चे को फ्रेश एयर के लिए, फ्रेशनेस के लिए, और आप कह सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए रूम से बाहर भी एक
एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ वो बैठ सके, जहाँ वो वॉक कर सके, जहाँ वो नेचर को फील कर सके। तो उसके लिए हमने अपने रूफ टॉप पे एक छोटा सा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। प्लीज़ आई, ये रहा वो गार्डन इधर साइड में, ग्रीनरी पूरा मेंटेन्ड है ना? यस सर। और ये यार मेरे को बड़ा गजब लगा, इन्होंने वाटर प्लांट ही इंस्टॉल कर दिया है अपने रूफ टॉप पे, यानी कि छत पे। तो सर क्या है, यानी कि पानी पीने के लिए भी सब यहीं सेट कर दिया आप मामला? बेसिकली क्या है, कोटा के अंदर हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और कोटा पूरा एक रॉकी एरिया है, तो यहाँ वाटर के अंदर TDS भी बहुत ज़्यादा है, वाटर में हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा है और वाटर में बैड ऑर्डर्स भी हैं। और हमारा एक दिन का जो पानी का कंजम्पशन है ना, वो 50 स्टूडेंट्स पे अप्रॉक्स 18-20,000 आता है। तो इनिशियली जब मैंने हॉस्टल सेटअप किया, स्टार्ट किया, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बट टाइम टू टाइम मैंने गूगल की हेल्प से, विकिपीडिया की हेल्प से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना मेंटेन किया और उसके बाद मैंने ये सेटअप इंस्टॉल किया। ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है, हम लोग ग्राउंड वाटर को पुल करते हैं, ग्राउंड वाटर को हम अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं, टैंक में स्टोर होने के बाद वो पानी एक हैवी ड्यूटी मोटर से इस वेसल के अंदर आता है। इसमें हमारे मल्टीपल लेवल पे सैंड ग्रेनुल्स हैं, इसको हम सैंड फिल्टर बोलते हैं। इसमें पानी प्रेशर से जाता है, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा और सैंड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो डस्ट है पानी के अंदर वो 80% इसके अंदर होल्ड हो जाती है, जिसको हम बैकवॉश करके डेली बेसिस पे डस्ट बाहर निकाल देते हैं। राइट। तो मैं एक रूम में आपको ले आया, यहाँ पे एक स्टूडेंट जो रह रहे हैं, जानेंगे इनका रिव्यू कि कैसा है इनका यहाँ पे रहना। ठीक है, सो हेलो, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई आपका? अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे रहने खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाना अच्छा है। आप एलन में पढ़ रहे हो? यस। अच्छा, आपकी क्लासेस कहाँ लगती है? समर्थ में। यहाँ से कोई दिक्कत आने जाने में? ओके, चलिए, थैंक यू, पढ़िए। ओके, तो दोस्तों मेरे पीछे है श्री ओम पैलेस, मैं अब इसका टूर आपको देने वाला हूँ। ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए जो श्री ओम रेजिडेंसी था वो मैंने दिखा दिया। तो ये श्री ओम इनका ग्रुप है, उसी के अंदर आता है, ऑनर सेम है, ठीक है। तो बॉयज़ या गर्ल्स दोनों के लिए अगर रूम चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा इनका नंबर, मैंने हाईलाइट कर दिया स्क्रीन पर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ये आगे का रेंट से रिलेटेड सारा जो भी यानी कि डाउट है आपके मन में वो सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे कैसे आना है, जैसे कि ये राजीव गांधी नगर एरिया पड़ जाता है, एलएन का, संकल्प, सबल, समर्थ, सामिक, सविनय, ये सारी जो बिल्डिंग है इनके पास अगर आपकी क्लासेस वगैरह लग रही है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और एंट्री पॉइंट से लेकर रूम और मेस डाइनिंग एरिया वो सबको देख लेंगे। और यहाँ पे सैनिटाइजेशन मशीन वगैरह इंस्टॉल किया गया है इस कैंपस पे भी। और यहाँ पे जो यानी कि गार्ड साहब हैं, ले लीजिए भाई, टेम्परेचर चेक कर लीजिए, ठीक है, सही है, चलिए बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अब मेस डाइनिंग एरिया के तरफ। और यहाँ पे इन्होंने भी बॉयज़ के लिए भी डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल कर रखा है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह मशीन लगा रखी है, तो जो कि बहुत सही हो जाता है। एक पेरेंट्स को भी इससे जानकारी रहती है कि उनके बच्चे कब इन और आउट है यहाँ पे हॉस्टल से। तो ये मैं आपको लिया है मेस डाइनिंग एरिया के तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ सफाई वगैरह कोविड को लेकर मेंटेन्ड है, जो कि जरूरी है भाई, होना भी चाहिए। इस कैंपस में भी AC वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे बुफे सिस्टम यहाँ भी है, तो बच्चे जो है वो थाली वगैरह लेकर और बैठ के यहाँ पे खाते हैं। और यहाँ पे मेनू वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, हर डेट के हिसाब से यहाँ पे मेनू वगैरह लगा दिया जाता है और बच्चों को ये सारी चीज़ें सर्व करी जाती है। तो यहाँ पे फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि कॉमन स्टडी रूम है, तो यानी कि स्टूडेंट जो है बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं या कुछ डिस्कस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ठीक यहाँ पे यानी कि एक स्टूडेंट का रूम के अंदर मैं आपको लिया आया, बैठ जाइए जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह? बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया। और एलन में आप पढ़ रहे हो जी, कहाँ आपकी क्लासेस लगती है? साकार में। और यानी कि यहाँ पे रहने खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सही है, बाकी लोगों को आप रिकमेंड करेंगे ये हॉस्टल? बिल्कुल। एलन आने जाने में यहाँ से कोई दिक्कत होता है? नहीं, ये लोग वैन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम है और एक रूम का टूर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये रूम है, यहाँ पे यानी कि बेड वगैरह हो गया और स्टडी टेबल, चेयर, बुक सेल्फ, अलमीरा वगैरह सब है, AC वगैरह लगा हुआ है, फैन
और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ पिन कर सकते हैं आपका जो भी यानी कि स्टडी रूटीन वगैरह रहता है वो सारी चीजों को, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये रहा बाथरूम, बाथरूम भी वेल इक्विप्ड है, साफ सुथरा विथ गीजर इंस्टॉल्ड, तो सब कुछ रेडी है भैया, बस आपका आने का देरी है, जल्द से जल्द पधारिए यहाँ पे। ये रहा श्री ओम पैलेस और श्री ओम रेजिडेंसी का टूर, ठीक है, तो जो कि एलेन का सामिक और सविनय, ये दो बिल्डिंग है खास करके पास, मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया था हॉस्टल का टूर का, तो मैंने सोचा कि यार इसी वीडियो से उसे कवर करते हैं। कोटार कोचिंग से रिलेटेड कुछ आपके मन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।